हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिजली विभाग में नौकरी कैसे पाएं और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग बिजली विभाग में जॉब पाना चाहते हैं। बिजली विभाग में कई पोस्ट होती है, इसमें नौकरी पाने के लिए आपको इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बिजली विभाग में जॉब पाने से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बिजली से रिलेटेड समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक विभाग बनाया गया है जिसे बिजली विभाग कहा जाता है। बिजली विभाग में कई सारे पोस्ट होते हैं और इन सभी पोस्ट पर काम कर रहे लोगों का मुख्य काम बिजली से संबंधित समस्याओं को दूर करना होता है। इसमें इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, वायरमैन, लाइनमैन जैसी पोस्ट होती हैं। दोस्तों, बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आपको कम से कम 10th पास करना जरूरी है, और 10th पास करने के बाद इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ITI कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बिजली विभाग में किसी हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th पास करना होगा और 12th के बाद ITI पास करना होगा। बिजली विभाग में कई सारी पोस्ट होती हैं और सभी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं। आप किसी दूसरे ट्रेड से ITI करके बिजली विभाग में जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी में इलेक्ट्रिकल ट्रेड ही मांगी जाती हैं। अगर आपने ITI के बजाय पॉलिटेक्निक भी किया है तो भी आप बिजली विभाग में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिजली विभाग में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। सभी पोस्ट पर अलग अलग एज लिमिट मांगी जाती है। बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए आपको इसमें निकलने वाली लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको निकलने वाली वैकेंसीज से जुड़ी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना चाहिए, जिससे आप भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी पा सकें और अप्लाई कर सकें। दोस्तों, अप्लाई करने के कुछ दिन बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। दोस्तों, बिजली विभाग में कई सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं, जैसे कि वायरमैन, टेक्नीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इत्यादि। और सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं, और सभी पोस्ट की सैलरी भी अलग अलग होती है। दोस्तों, इसके रिटेन एग्जाम में जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स और ITI ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 75% सवाल ITI ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और बाकी के 25% सवाल जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। दोस्तों, बिजली विभाग में जॉब करके आप स्टार्टिंग में 14,000 से 15,000 रुपये तक सैलरी पा सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं या कोई दूसरी डिग्री करके जॉब करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे ये वीडियो बिजली विभाग में जॉब कैसे पाएं ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इसमें हमने आपको बिजली विभाग के बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसे बिजली विभाग क्या है, बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बिजली विभाग में जॉब पाने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, बिजली विभाग में अप्लाई कैसे करें, बिजली विभाग में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, बिजली विभाग के रिटेन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और बिजली विभाग में सैलरी कितनी मिलती है, इत्यादि सारी बातों को मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।